हेलो मॉमीज़, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना में बच्चों का ध्यान कैसे रखें, हम क्या ध्यान रखें कि हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को कोरोना ना हो। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जो कि आजकल लोग भूलते चले जा रहे हैं और हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इसकी वैक्सीन कब आएगी किसी को नहीं पता है, आएगी कि भी नहीं आएगी किसी को नहीं पता है। हमें हमारी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, हमें कोरोना ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे बच्चों को कोरोना ना हो, छोटे बच्चों को, इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे छोटे बच्चों को कोरोना ना हो इसके लिए हमें अपना खुद का ध्यान रखना है, पेरेंट्स को अपना खुद का ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आप घर से बाहर जाना अवॉइड करें, कम से कम घर से बाहर जाएं। अगर आपके घर में चार मेंबर हैं, उसमें से दो मेंबर अगर ऑफिस जाते हैं तो वही दो मेंबर घर से बाहर निकलें, बाकी के जो दो मेंबर हैं वो घर से बाहर नहीं जाएं। जब आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से रिटर्न घर आ रहे हैं, तब आप सारा सामान जो आपको लेना है उसकी एक लिस्ट बनाकर आप घर से निकलिए, फ़ोन कॉल पर पूछ लीजिए कि घर पर क्या क्या लेकर आना है, तब आप लेकर आइए। आप ऑफिस जा रहे हैं तब आप मास्क लगाकर जाइए, बार बार मास्क को टच ना करें, मास्क को नीचे ना उतारें, मास्क बिल्कुल प्रॉपरली फिट होना चाहिए। मास्क को अगर हम टच करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बार बार हमें हमारे हैंड सैनिटाइज करने हैं, घर से कम बाहर निकलना है। तो अगर हम इस तरह से हम सुरक्षित रह पाएंगे तो हमारे घर में कोरोना जाने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। अब आती है बच्चों को पार्क में ले जाने की बात। आप बच्चों को पार्क में नहीं ले जाएं इस समय, उनको इंडोर एक्टिविटीज़ कराइए, इंडोर गेम उनके साथ खेलिए। बच्चों को आप स्मार्टफोन कम दीजिए, जब भी उनको कोई गेम खेलना तो यूट्यूब वीडियोज़ ना दिखाएं, टीवी ना दिखाएं, आप खुद उनके साथ कुछ गेम खेलिए, इंडोर एक्टिविटीज़ करिए। डिफरेंट डिफरेंट गेम होते हैं वो आप बेबी के साथ अपने खेल सकते हैं। इसके साथ आप बेबी को टेरेस पे लेके जाइए, वहाँ वॉक करिए, बच्चों को बिल्कुल भी बाहर लेकर नहीं जाना है। आजकल क्या हो रहा है, स्कूल तो बंद है बट पेरेंट्स अपने बच्चों को पार्क में, गार्डन में बाहर भेज रहे हैं और वहाँ 10-20 बच्चे इकट्ठा एक साथ खेलते हैं, तो उसमें वो बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें नहीं ध्यान होता है कि मास्क को नहीं टच करना है, वो भूल जाते हैं, मास्क नीचे कर लेते हैं, स्वेटिंग हो रही है तो मास्क उतार देते हैं, इससे बच्चों को कोरोना होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो आप अपने बेबी के साथ इंडोर एक्टिविटीज़ करिए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बेबी को दीजिए, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करिए, उनको अच्छी स्टोरी सुनाइए, उनको आप बताएं कि हमें इस समय बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। इसके साथ साथ आपको बच्चे के खान पान का ध्यान रखना है। आप बिल्कुल भी उसको मैदा वाली चीज़ हो गई या जिनसे इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती है, जो बिल्कुल फास्ट फूड हो गए, घर में भी आप फास्ट फूड बना के मत दीजिए, वीक में एक दिन आप दे सकते हैं, बाकी आप उसको हेल्दी फूड, दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें उसकी डाइट में शामिल करिए। आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक जूस ये सब अगर बच्चे जिद भी कर रहे हैं तो आपको उन्हें नहीं देना है। ये तो हो गई बड़े बच्चों की बात। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आपको क्या करना है, आपको उसको वॉक पे लेके नहीं जाना है, बाहर लेके नहीं जाना है, कहीं घुमाने लेके नहीं जाना है। डॉक्टर के पास अगर आप लेके जा रहे हैं तो आप बेबी को भी अपने साथ साथ मास्क लगाकर ही लेकर जाइए। आप कोशिश करिए कि बच्चा कहीं टच ना करे। घर आइए तो बच्चे के सारे ड्रेस बदल दीजिए, उसको सैनिटाइज करा दी, मतलब आप ड्रेस को वॉश कर दीजिए, हो अगर दिन में लेके गए तो बच्चे को वॉश दे दो, शाम को लेके गए तो बच्चे को गर्म कपड़े से आप पोंछ दो, उसको साफ कपड़े पहना दो। इन चीज़ों का हमें कोरोना में बच्चों का ध्यान रखना है। 6 महीने से अगर बड़े ही बच्चे हैं तो आप उनको काढ़ा दीजिए, तुलसी का पानी उबाल के उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल के गुड़ डाल के आप 6 महीने के बड़े बच्चों को ये काढ़ा दे सकते हैं, क्योंकि तुलसी से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। बाकी बड़े बच्चों को भी आप काढ़ा दे सकते हैं, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें आप तुलसी है, अजवाइन है, अदरक है, इन सबको पका के आप उसका काढ़ा बना लीजिए, उसमें गुड़ मिला दीजिए और वो अपने बच्चों को आप डेली दीजिए। अगर आप चाय दे रहे हैं तो चाय की जगह पर आप ये काढ़ा दीजिए। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप, आपका परिवार और आपके बच्चे इस कोरोना जैसी महामारी से बच जाएंगे। और आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हम बाहर जाएंगे तो हम ही अपने बच्चों को कोरोना देंगे, क्योंकि बच्चे तो घर से बाहर निकल नहीं रहे। अगर बच्चे बाहर जाने की ज़िद भी कर रहे हैं तो हमें उन्हें मना बोलना है। बहुत से पेरेंट्स हैं जो बच्चों को पार्क में लेके जा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, हम बेबी को पार्क में, अगर वो हमारे साथ जा रहा है तो ठीक है, हम घर आएँ उसका मास्क वॉश कर दें, ड्रेस बदल दें, तब तो ठीक है। पर अगर बच्चा अकेला पार्क में साइकिलिंग करने जा रहा है, वॉक करने जा रहा है, हमें बिल्कुल नहीं भेजना है, क्योंकि बच्चे जब ग्रुप में जाते हैं
तो अपने मास्क को हटा देते हैं और तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से बच्चे आते हैं तो वहाँ कोरोना के चांसेस बढ़ने की खतरा बढ़ जाएगा और हमारी बेबी को और हमारी फैमिली को इस चीज़ का नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो हमें मैंने आपको जो चीज़ें बताई है आप उनका ध्यान रखिए। आप हर 15-20 डेज में अपने मास्क चेंज कर दीजिए। बच्चों को घर पे कॉटन के मास्क बना के पहना के लगाइए। बच्चों को बार बार हैंड वॉश करने की आदत आप घर में डालिए। खान पान का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोरोना जैसी महामारी से आप अपने बच्चों को अपनी फैमिली को आसानी से बचा पाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। बाय बाय मॉमीज़।